press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aaj hum bhui bhi ja rahe hain. Bismillah tawakkal to alle. Are kursi? बैठो तुम, जाओ अंदर बैठो। क्या दिमाग आया मेरे को, कुर्सी नहीं आया, आया बताया आगे के भाई लोग ठीक है।
दाल बना रहे हैं, ये तुअर की दाल है। इसके अंदर हमने दो प्याज डाले हैं बारीक काट के और एक टीस्पून हल्दी डाले, ये देखो। और उबाल के लिए 3 सीटी लिए, एकदम गल गए, एकदम फर्स्ट क्लास। नारियल का दूध है ये देखो, एक नारियल का पूरा घट घट दूध निकाले हैं। ये दाल बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ भी, और ऐसी भी पी सकते हैं, इतनी अच्छी लगती है और ताकतवर दाल है ये। एक लहसुन लिए हैं, उसको हम मदरसे में कूट के लिए हैं। ये दो मिर्ची तड़के के लिए रा है 1 चम्मच, करी पत्ता है, 4 मिर्ची को चॉप किए हैं, कोथमीर लिए हैं, इसमें से नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच जीरा लिए, और इसमें से हम 2 टमाटे डालेंगे, टमाटे ज़्यादा है, और ये तेल डालेंगे 1 चम्मच भर के। ये देखो तेल डाले 1 चम्मच, गरम हो गया। अभी ये लहसुन को ज़रा लाल करेंगे, उसके बाद सब डालेंगे। लहसुन को अच्छे से लाल करेंगे। देखो अभी लहसुन का कलर बत्ती हो गया, अब जीरा डालेंगे, अभी राई डालेंगे, अभी मिर्ची डालेंगे, अभी करी पत्ता डालेंगे, अभी ये मिर्ची चाहिए है ना, कश्मीरी लाल मिर्ची है, इसको डालेंगे। अभी टमाटर डालेंगे, दो टमाटर डाले, इसमें ज़्यादा टमाटर नहीं जाता, नारियल का दूध रहता ना, इसमें ज़्यादा टमाटर नहीं जाता। टमाटर को फोलेंगे ज़रा, अभी टमाटर गलाने का है ना, नमक डालेंगे, अपने हिसाब से नमक डालो। हाँ अभी ढक्कन रखेंगे ना तो टमाटर अच्छे से गल जाएगा, अभी ढक्कन रखेंगे। देखो एकदम फर्स्ट क्लास, टमाटर भी नरम हो गया, सब पक गया बराबर से। अभी हम दाल डालेंगे और फटाक से ढक्कन रखेंगे, तो अच्छी टेस्ट भी बढ़ जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है। एक उबल लेंगे हाँ दाल डालने के बाद, उसके बाद दूध डालेंगे, कोथमीर डालेंगे। ये देखो दाल उबल गई, अभी दूध डालेंगे, दूध डालते ही कोथमीर डालेंगे और थोड़ा 2 मिनट पकाएंगे और बंद करेंगे। दाल पक्की तैयार, नारियल के दूध की तुअर की दाल है ये, फर्स्ट क्लास टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी है। देखो एक कोथमीर डाल रही, अभी एक उबल लेंगे और बंद करेंगे, आपको बताएंगे, सब करेंगे, खाते टाइम भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखो उबल आ गया दाल को, और ये दाल पतली रहती है, घट नहीं रहती, क्योंकि इसको चावल के साथ खाते हैं और उसको क्या करते हैं कि पीते भी प्याले से, बहुत टेस्टी लगती है और ताकतवर दाल है, तुअर की दाल नारियल के दूध। अभी हम सब करके बताएं।